दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खाड़ा में सबको स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टी पैनल, रॉकर और की कार का बारे में, जो वॉल कंपोनेंट्स का पार्ट था। वॉल कंपोनेंट्स में क्या क्या था आप लोग जान लिया, तो फिर भी एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या था वॉल कंपोनेंट में। वॉल पैनल्स था, उसके बाद टी पैनल्स था, उसके बाद की कार था, उसके बाद रॉकर था। तो कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है वॉल पैनल का बारे में, तो आज हम लोग नेक्स्ट तीन पार्ट है उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या रॉकर, की कार और टी पैनल। पहले जान लेते हैं टी पैनल का बारे में। टी पैनल की क्या है, टी पैनल क्या है? एक नंबर है कंपोनेंट्स ऑफ माइबॉन फॉर्मवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ माइबॉन फॉर्मवर्क। टी पैनल कहाँ पे लगता है? टी पैनल वॉल पैनल का ऊपर में लगता है। टी पैनल हम लोग किस लिए देता है? टी पैनल इसलिए देता है इजी हैंडलिंग के लिए और वेट को लेस करने के लिए। प्लेट का जो वेट है, वेट को लेस करने के लिए टी पैनल देने का दो ही मकसद है। एक नंबर टी पैनल किस लिए देता है, एक नंबर इजी हैंडलिंग। जब भी नीचे से ऊपर में बोर्ड को लेके जाएंगे, उसी टाइम बोर्ड रहेगा तो ऊपर में जल्दी चला जाएगा, तो बड़ा बोर्ड रहेगा तो थोड़ा हैंडलिंग करने के लिए प्रॉब्लम होगा। इसके लिए ऐसी माइबॉन प्लेट का वेट पर स्क्वायर मीटर में 25 kg होता है, 20 से 25 kg पर स्क्वायर मीटर में माइबॉन पैनल का वेट होता है। तो वेट को लेस करने के लिए दो नंबर लेस वेट लेस हो जाएगा तो आसानी से ऊपर जाएगा। टी पैनल देने का दो ही मकसद है, एक नंबर इजी हैंडलिंग, दो नंबर लेस वेट को लेस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते टी पैनल को हम लोग फिक्स करेंगे। तो टी पैनल में कैसे कैसे होल रहेगा, कितना डिस्टेंस में होल रहेगा, तो टी पैनल क्या है, कौन सा साइज का होता है, देख लेते हैं। तीन नंबर पॉइंट साइज ऑफ टी पैनल। जेनरली 150 से स्टार्ट होता है, 150 by 300, 150 by 450, 500 by 600, 600 by 600, ऐसा डिफरेंट साइज होता है टी पैनल का। हाँ, और एक बात, टी पैनल हम बोल रहा है ए साइड पे जो लेवल लोग काम करते हैं, वो लोग फॉर्मल लोग सब टी पैनल ही बोलता है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग कोडिंग आता है। इंडिया में 20-25 को कंपनी है, तो कंपनी का कोडिंग अलग अलग होता है, तो लेवल लोग टी पैनल बोल के पहचानता है।
लेबर लोग, फोरमैन लोग सब टी पैनल बोल के पहचानता है। ठीक है, टी पैनल को अलग कोडिंग जैसे MFE में UX ऐसा, मतलब अपर और अपर, अपर आउटर, एक्स पर आउटर एक्सटर्नल, टी पैनल TX ऐसा होता है। TX मतलब हो गया आउटर का पैनल, टी फॉर टॉप पैनल। अभी हम लोग आते हैं टी पैनल का साइज में, 150x300, 150x450, 500x600, 600x600। ठीक है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। तो हम लोग डायग्राम में अगर देखेगा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 600x600 का टी पैनल है। तो इसमें कितना के, हाँ आप लोग को पहले जैसा बताया था, इसमें भी फ्रेम रहेगा, चार तरफ फ्रेम बा स्ट्रिप रहेगा, फ्रेम बा स्ट्रिप में होल रहता है। ठीक है, पिन पत्ती का होल, पिन फिक्स करने के लिए स्ट्रिप में होल रहता है प्लेट का। उसके बाद इसमें भी चार तरफ फ्रेम रहेगा, फ्रेम में पिन पत्ती का होल रहता है। उसके बाद बीच बीच में स्टेपनर रहेगा प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा ऐसा करके। ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। ठीक है, स्टेपनर रहेगा। तो अगर होल टी पैनल में कितना कितना डिस्टेंस में होल होता है, वर्टिकली जो होल होता है ना, नीचे से 100 डिस्टेंस में होता है, नीचे से 100 डिस्टेंस में, और 100 डिस्टेंस में जो होल होता है उसमें वाल्टाई लगता है, टी पैनल में वाल्टाई लगता है नीचे से 100 125। एक बात याद रख लो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट रूल्स होता है। ठीक है, जैसा प्लेट का स्ट्रेंथ है ना, ऐसा डिजाइन किया जाता है। तो जनरली जो होता है साइड पे 100 डिस्टेंस में होल रहता है, हर जगह में जनरली 100 डिस्टेंस में होल रहते हैं। उसके बाद 300 में रहेगा, उसके बाद 300 में रहेगा। ठीक है, तो और 300 में रहेगा, उसके बाद 500 में रहेगा। ये सब फॉल्स होल। नीचे का तरफ जो होल रहेगा 50, 100, 150, 350, 450 ऐसा। ठीक है, तो एक बार क्लियर करके हम लोग देख लेते हैं पिक्चर में। टी पैनल हो गया, पांच सौ बाय छ सौ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500x600। यहाँ पे स्टेपनर भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेपनर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे होल रहेगा फ्रेम में, आउटसाइड जो फ्रेम रहेगा उसमें होल रहेगा। होल कितना कितना में रहेगा, नीचे से 100, 300। ठीक है, 100 नीचे से 300, ये वर्टिकली होल रहेगा। इसमें जो 100 में जो होल रहता है ना, इसमें वाल्टाई का स्लॉट भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर वाल्टाई फिक्स होता है। ओके, अभी नीचे का तरफ जो वॉल पैनल में लगता है उसमें कितना को, 50, 100, 150, 350, 450। ठीक है, ऊपर में भी सेम, 50, 100, 150, 350, 450। टोटल कितना को होल है मैं टी पैनल में, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 4, 14 को होल, 14 को होल है, 14 नंबर। एक को टी पैनल में इतना ही होल रहता है, और
इसमें से एक को हो गया वाटाई के लिए, वाटाई का स्लॉट भी रहता है इधर, एक या टी पैनल। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग की कार्ड भी। कीकार किस लिए देते हैं? पहले तो जान लेते हैं कीकार किस लिए देते हैं। कीकार इसलिए इसके लिए देता है, अगले फ्लोर का जो बोर्ड रहेगा इसमें से रहेगा। कीकार मतलब डबल सेट रहता है। मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग का, ठीक है, तो इसमें की कार्ड है, इसमें की कार्ड है, ठीक है, तो इसमें बोर्ड फिक्सिंग है हमारा माइवन पैनल। ए बोर्ड जब ऊपर जाएगा, ए बोर्ड का लेवल एक की कार्ड देंगे, समझा? तो की कार्ड एक लेवल प्रोवाइड कर रहा है बोर्ड को, बिल्डिंग को सीधा ले जाने के लिए, बिल्डिंग को सीधा ऊपर ले जाने के लिए कीकार प्रोवाइड करते है। तो कीकार का ऊपर अगले फ्लोर का बोर्ड लगता है। कीकार हर पल आउटर साइड में देते है, कीकार कभी भी इनर साइड में नहीं लगता है। आप लोग पिक्चर में भी देख लो, पिक्चर में हम देखा रहा है साइड में, कीकार आउटर साइड का जो टी पैनल रहेगा उसका ऊपर हर पल लगता है, और वर्टिकलिटी बिल्डिंग का एक वर्टिकलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो कीकार में क्या क्या पॉइंट है ध्यान देख लेते हैं। एक नंबर, कीकार प्रोवाइड लेवल ऑफ बिल्डिंग। दो नंबर पॉइंट, आउटर हर पल आउटर साइड में फिक्स होता है, तो दो नंबर पॉइंट, इट फिक्स टॉप ऑफ द आउटर टी पैनल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तीन नंबर, आउटर का टी पैनल जनरली 675 हाइट होता है। आउटर का जो टी पैनल रहेगा ना वो 675 हाइट होता है। तीन नंबर, टू बिल्डिंग को सीधा ऊपर ले जाने के लिए कीकार प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट अपवर्ड द बिल्डिंग प्रोवाइड कीकर। उसके बाद और कीकर में क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। चलिए, सन नंबर, कीकर का जो थिकनेस रहता है ना 125 एमएम रहता है, थिकनेस ऑफ कीकर इज 125 एमएम। कीकर का थिकनेस हर पल 125 एमएम ही होता है।
ठीक है। और कीकार में जो होल रहता है ना वो एडजस्टेबल, वो होल में कीकार नट बोल्ट वासा लगता है, ठीक है। वो होल को एडजस्ट, होल जो है ना वो एडजस्टेबल होता है, मतलब अप डाउन कर सकते हैं। कभी कीकार का लेवल ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, उसको थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। होल ऑफ द कीकार इज एडजस्टेबल, होल कैसा होता है कीकार में, ऐसा होता है, ये जो होता है ना 25 mm और ये होता है 16 mm। जनरली जो माइबॉन का कोई भी प्लेट में, माइबॉन फॉर्मर का कोई भी प्लेट में होल 16 mm होता है, तो लेकिन 25 mm कीकार का होल का लंबाई होता है और 16 mm चौड़ाई होता है, क्योंकि एडजस्टेबल होल रहता है इसमें। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कीकार में कितना डिस्टेंस में होल रहता है, ये मान लीजिए कीकार है, इको ये वाला हो गया 125 mm थिकनेस, 125 mm थिकनेस, इसमें कितना में होल रहेगा, कितना डिस्टेंस में। पहला होल जो रहेगा 50 mm, उसके बाद 150, उसके बाद 250, उसके बाद 350, उसके बाद 450। दोनों साइड में सेम, दोनों साइड में सेम रहेगा 450, दोनों साइड में सेम होल रहेगा, इधर में भी सेम, ठीक है। और ये वाला 100 में रहेगा, इसमें जो होल रहेगा ना डाय 16 mm, ठीक है। सिर्फ कीकार का बीच बीच में जो होल रहता है वो होता है, वो होता है 16 mm by 25 mm, 16 by 25, 16 by 25, ठीक है। ए होल इसके लिए देता है, ए कंक्रीट का अंदर फिक्स रहता है, समझा। जब भी हम लोग कंक्रीट काटते हैं इसमें कीकार नट बोल्ट वासा लगाते हैं, तो अगले फ्लोर का जब सेटिंग होगा, अगले फ्लोर का जब सेटिंग होगा, बोर्ड को ऊपर लेके जाके इसमें रखेंगे, इसका ऊपर, तो इसका ऊपर रखेगा तो ऐसे ही रखेगा तो नीचे गिर जाएगा। इसके लिए एक कंक्रीट का अंदर नट बोल्ट से फिक्स करते हैं, बाद में ये जो बोल्ट लगता है ना बोल्ट को खोल के ऊपर लेके चला जाता है, फिर भी अगले फ्लोर में जब सेटिंग होगा, ठीक है। कीकार इसके लिए डबल सेट रहता है, ठीक, समझ गया। अभी आते हैं रॉकर में, रॉकर को आरके बोल की पहचानते है। इसको किस लिए देते हैं हम लोग, बोर्ड को नीचे से सपोर्ट करने के लिए। माइबॉन फॉर्मर में जो वॉल पैनल रहता है नीचे से सपोर्ट करने के लिए हम लोग रॉकर पर आरके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर पॉइंट, टू सपोर्ट वॉल पैनल फ्रॉम बॉटम। टू नंबर पॉइंट,
ये जो आरके होता है ना, एल शेप का होता है, शेप ऑफ आरके इज एल, एल शेप का होता है। तीन नंबर पॉइंट, इसमें होल रहता है, आरके का एक साइड होल रहता है, ठीक है, देखा था वो पिक्चर में आप लोगों को। तो अलॉटमेंट होल इज रिमेंट आरके, ठीक है। आरके कैसे होता है, कितना डिस्ट, आरके देखने में कैसा होता है और होल कैसे रहता है वो देखाता हूं। आप लोग पिक्चर में भी देखिए, हम एक बार देखा था वो ड्रॉ करके, ये वाला जो होता है ना, ये वाला बोर्ड का फेस होता है, ठीक है, तो इसमें कोई होल नहीं रहता है। इसका ऊपर में जो फ्रेम रहता है, ये आरके होता है, 50 mm भी होता है, 75 mm भी होता है, 100 mm भी होता है, जनरली 50 mm, 75 mm, 100 mm लिख देता हूँ हम। तो पहले देख लीजिए आप लोग, इसमें ये जो फ्रेम रहता है ना 65 mm का, ये वाला 65 mm, ये 50 में होल रहता है, 50, 150, 350, 50, 150, इसमें जो होल रहता है ना, ऐसा ऐसा करके 60 mm डाई होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है साइड से बोल देता हूँ, ये वाला 50 होता है, 150 होता है, ये वाला 250 होता है, ये वाला 350 होता है, उसके बाद 450, ऐसा करके होल रहता है। तो आरके में अभी देख लेते आरके कितना कितना साइज का होता है। चार नंबर पॉइंट, साइज ऑफ आरके, 50 mm का आरके होता है और बोर्ड जितना mm रहेगा, 50 by 600, तो इधर में 50 mm थिकनेस हो गया और 600 mm चौड़ाई हो गया, मतलब ये 600 mm जो है ना, 600 mm का तरफ खुल रहेगा और 50 mm चौड़ाई हो गया, ठीक है, नीचे जो गैप है उसको फुलफिल करेंगे 50 mm का। और ऐसा होता है 50 by 400, तो आप लोग पिक्चर में देखा देता हूँ, ये वाला हो गया 400 by 2.50 meters का हमारा बोर्ड, ठीक है, ये वाला 400 by 2.50 meters का बोर्ड, इसका नीचे हम लोग आरके लगाएंगे 50 mm का। तो आरके जब लगाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे
हम इधर डिटेल्स करके देखा देते हो, आप लोग पिक्चर में देख लीजिए ड्रॉ करके। ये वाला हो गया 400, ये वाला 50, इसमें अलॉटमेंट होल भी रहेगा, समझा? समझ गया। तो 50 बाय 400 का आर के मतलब ए, और 75 mm होता है 75 बाय 600। एग्जाम्पल दे देता हूँ, 75 बाय 400, ठीक है। 100 mm का भी आर के होता है, 100 mm का आर के वहाँ पे होता है जहाँ पे संकोन एरिया है ना, संकोन एरिया डाउन पोर्शन है बिल्डिंग का, वहाँ पे 100 mm का आर के लगता है, ठीक है। 100 बाय 600, 100 बाय 400, ऐसा। तो यही था आरके, साइज ऑफ आरके। तो आरके किस लिए देता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, और इस टॉपिक का बारे में आप लोगों का कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करना, हम जरूर रिप्लाई दूंगा। आज प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को सामने, तो माइबन फॉर्मर का बारे में डिटेल्स नॉलेज आप लोगों को हम दूंगा। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।